हमारे मेहमान हैं कृष्णानंद, सूफी गजल गायक। पहले तो मैं सबसे पहले उजाला सिटी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं कृष्णानंद, मेरी जो लाइफ है पूरी तरह म्यूजिक को समर्पित है। एक संगीत के सेवक में कह लें, मेरा जन्म एक साधारण से परिवार, नॉन म्यूजिकल फैमिली में हुआ। और लेकिन मुझे बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला तब से कह सकते कि एक म्यूजिक मेरे अंदर समाया हुआ था। और बचपन में बच्चे जब अपने गार्जियन से खिलौनों की डिमांड करते हैं, मैं अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की डिमांड उनसे करता था कि मुझे बोंगो चाहिए या बैंजो चाहिए। फिर आगे चल के ये शौक पनपा। 87 में भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और साथ ही साथ इंटरमीडिएट भी किया मैंने। उसके बाद भातखंडे में एडमिशन 87 में फर्स्ट ईयर में लिया मैं, यहाँ पर पंडित शीतल प्रसाद मिश्रा जी, प्रसिद्ध तबला वादक, उनकी कक्षा में आया और लगभग 6 वर्ष उनके पास रहा। तो मैंने भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी से निपुण तबले की शिक्षा ली। उस दौरान प्रोफेसर सुधीर वर्मा जी से भी तबला सीखा और तमाम उस्ताद इल्माज खां साहब, पंडित रामचंद्र भट्ट जी, तमाम ऐसे नाम थे जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और तमाम प्रतियोगिता उस दौरान जीती और सौभाग्य रहा कि 95 में स्टूडेंट लाइफ में ही भातखंडे संगीत संस्थान में मुझे नौकरी मिल गई। यहाँ पे एक तबला वादक संगत करता जिस पर मैं आज भी कार्यरत हूँ। लेकिन पूरी तरह मेरे को जो एक शौक था गाने का भी, तो मैंने 2001 में पूरी तरह गाना शुरू कर दिया और तबले को मार्केट में अलविदा कह दिया मैंने। और आज के टाइम में मैं गज़ल गायकी की तालीम उस्ताद गुलशन भारती जी, मेरे लखनऊ के, जिनके रहमो करम पर मैं पल रहा हूँ। एक गज़ल जो काफ़ी पसंद की गई है, मैं लखनऊ के शायर हैं राजीव राय जी, मैंने उसको कंपोज किया और काफ़ी ज़मीनी गज़ल है तो पसंद करते हैं लोग। अगर दौलत सुकून देती तो बचपन याद आता क्यों, अगर दौलत सुकून देती तो बचपन याद आता क्यों, बिना छत के जो गुजरा था वो सावन याद आता क्यों, अगर दौलत सुकून देती तो बचपन याद आता क्यों। आखिरी में मैं एक बार फिर से उजाला सिटी न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ में उजाला सिटी न्यूज़ की टीम को भी धन्यवाद।